हेलो फूडीज, वेलकम टू आसिफा कौसर्स किचन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं लेकर आई हूँ एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको सिर्फ 10 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। मैं एक कप इडली रवा ले रही हूँ जो कि बाज़ार में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इस रवा को लेकर हमें दो बार अच्छे से इसको पानी से धो लेना है ताकि इसमें जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर 1/4 कप पोहा ले रही हूँ। पोहा को भी हमें दो बार अच्छे से पानी से धो लेना है। रवा को धोने के बाद अब मैं इसमें गर्म पानी डालकर रवे को 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दूंगी। उसी तरह मैं पोहे को भी गर्म पानी से भिगोकर रखूंगी। पोहा भी अच्छे से भीग जाना चाहिए। अब मैं इसमें का पानी निकाल लूंगी। पानी निकालने के बाद अब हमें इसे पीस लेना है मिक्सी जार में। जितना हो सके उतना हमें इसका पानी निकाल लेना है। मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्सी जार में पीस लूँगी। हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। आप देख सकते हो मैंने इसको पीस लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। अब सेम जार में मैं पोहा ले रही हूँ। पोहा को भी हमें उसी तरह पीसना है। उससे पहले मैं इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा मिला रही हूँ। पोहा और चावल का आटा दोनों मिलाकर हमें इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। पोहा को भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब मैं इसको भी एक बाउल में निकाल लूँगी। रवा और पोहा का मिक्सचर को निकाल कर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें अब मैं राई डाल रही हूँ। राई थोड़ा सा चटकने के बाद इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद इसमें मैं 1 टेबलस्पून चना दाल डालूँगी। चना दाल को भी हम थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी उड़द दाल डालूँगी। 1/2 टेबलस्पून ही लिया है मैंने, तो इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तब अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें मैं छोटी कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। प्याज को भी हम थोड़ा सा ही फ्राई कर लेंगे, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसमें अब मैं 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। इसको भी हम इसमें थोड़ा सा मिला लेंगे। रवा और पोहे का जो हमने बैटर बनाया था उसमें अब मैं ये मिक्सचर डालूँगी। 1 कप मैंने यहाँ पर ग्रेटेड कैरेट लिया है, उसको भी इस बैटर में मैं डाल रही हूँ। फिर उसमें हम कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें मिला लेंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद उसको अच्छे से मिलाने के बाद मैंने तवे को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं आयरन तवा यूज़ कर रही हूँ। ये पनियारम बनाने का तवा है। फिर अब मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ ताकि नीचे हम जो बना रहे हैं वो ना चिपके। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं इसमें इनो डाल रही हूँ। मेरे पास नॉर्मल इनो नहीं था तो मैं यहाँ पर ऑरेंज फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। इसको भी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करके अब हम इस बैटर को इस तवे में पोर कर लेंगे। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये ब्राउनिश कलर में आ जाएंगे। अब मैं इसको ढककर 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी। उसके बाद हमें इसको दूसरी तरफ पकने के लिए भी पलट लेना है। मैं यहाँ पर नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे नाइफ़ से ही इसको पलटना इजी लगता है। अगर आप चाहे तो स्पून से भी इसको पलट सकते हैं। आप देख सकते हो इसका कितना अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आया हुआ है। दूसरी तरफ से भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। दूसरी तरफ से भी मैंने इसको पका लिया है। आप देखिए ये कितने यम्मी लग रहे हैं। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।